नगर निगम क्षेत्र अब 5 जोन में बटेगा। प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से नगर निगम प्रशासन ने शहर को 4 की जगह 5 जोन में बांटने का फैसला लिया है। सभी जोन में जोनल कार्यालय बनाए जाएंगे और जोनल अधिकारियों की तैनाती होगी। इन सभी जोन ऑफिस में ही संबंधित जोन के लोगों के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के साथ नगर निगम संबंधी सारे कार्य होंगे। एक जोन में कार्यालय बनाने की शुरुआत भी कर दी गई है। वहीं नगर निगम कार्यालय मुख्यालय के रूप में कार्य करेगा। नागरिकों को नगर निगम ना आना पड़े, इसके लिए नगर आयुक्त अविनाश सिंह नगर निगम के भवनों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, जिसके तहत नगर आयुक्त अविनाश सिंह द्वारा शनिवार को लालडिग्गी स्थित नेहरू पार्क के लाइब्रेरी भवन का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर मौजूद नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द लाइब्रेरी की साफ सफाई कराकर जोन कार्यालय में बदल दिया जाए। उन्होंने कहा कि जून माह के अंत तक 5 जोनों के जोनल मुख्यालय का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुभारंभ कराया जाना प्रस्तावित है। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त संजय शुक्ला, मुख्य इंजीनियर सुरेश चंद सहित नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, हम लोग यहाँ इसके बाद उधर वाले रूम में जो उधर हाँ जी हाँ सर जिसमें कर दिया यहाँ पे इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन इस बरामदे को भी यूज किया जा सकता है, कमरा बंद कर दिया जाएगा चैनल वगैरह नहीं। वैसे तो ये ऑफिस बन सकता है, यहाँ का हेड ऑफिस होगा। वो भी जो सामने वाला है सर, इतना ही बड़ा लगभग वो भी सामने वाला वो भी बन सकता है। जो बरामदे हैं इसमें भी बनाया जा सकता है कि कोई एक ऑफिस को कर दिया गया, एक ऑफिस को कर दिया गया। बाहर भी पर्याप्त रहता है, जब यहाँ रहेगा तो इसकी भी थोड़ी जो है सुरक्षित रहेगा। क्या पोजीशन है यहाँ की? कितने नाली लाल डिग्गी में लगे हुए भाई माले सर? अभी यहाँ एक महीने सारे हो क्यों? अच्छा वहीं चलते सब वहीं जा रहा है फवारा चल रहा है आपका? सारे फवारे चल रहे हैं जी सर। एक और रमेश यादव कराना लेने के लिए जैसा कि आप जान रहे हैं कि गोरखपुर नगर निगम जो है प्रशासकीय दृष्टिकोण से 4 जोनों में बांटा गया है, लेकिन काफ़ी दिनों से इस बात पे सभी लोग इस पे विचार विमर्श कर रहे थे और इस बात की ज़रूरत महसूस कर रहे थे कि जो हमारा जोन संख्या 1 है, सफाई की स्वच्छता के दृष्टिकोण से भी और अन्य प्रशासकीय दृष्टिकोण से भी काफ़ी बड़ा पड़ रहा था। और जो हमारा मुख्य सफाई निरीक्षक हैं, जो वहाँ के JDSO हैं, कई बार कह चुके थे कि साहब इसको जो है बांट दिया जाए। तो हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है कि इसको नगर निगम गोरखपुर को एक जोन बढ़ा दिया जाए, अर्थात इसको 5 जोनों में डिवाइड कर दिया जाए और हर जोन में एक इसका नया जोनल अधिकारी यहाँ पर और एक JDSO की तैनाती कर दी जाए। इसके साथ ही साथ चूँकि अभी तक सारे जितनी भी प्रशासकीय गतिविधियाँ हैं नगर निगम मुख्यालय से ही गवर्न हो रही हैं,
तो उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर भी दबाव पड़ता है। कई बार पब्लिक को 10-10, 12-12 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने इस बात की ज़रूरत महसूस की है कि जितने भी हमारे जोन हैं उन जोन का जोनल मुख्यालय उसी जोन के सेंट्रल पॉइंट पर बनाया जाए, और उसी के उद्देश्य से हम लोगों ने जोन 4, जोन 3, जोन 2 की एक्सरसाइज पूरी कर ली है। और आज हम लोग यहाँ पर जोन 2 और जोन 1 के संबंध में जो हमारा लाइब्रेरी बनी हुई है यहाँ पर, ये खाली पड़ी हुई है काफ़ी दिनों से, तो इसमें जो किताबें हैं कुछ पुरानी उनको हमारा जो नगर निगम की लाइब्रेरी वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, और इसको पूरा रिनोवेट कराकर हम लोग यहाँ पर जोनल कार्यालय बना देंगे, जिससे कि जो पब्लिक है यहाँ पर आए यहीं से वो अपने अगर वो हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवेज टैक्स जमा करना चाहे, म्यूटेशन कार्रवाई करने के संबंध जोनल अधिकारी से मिलना चाहे, या किसी अन्य से भी काम से आना चाहे, तो जोनल इंजीनियर से मिलने के लिए, जोनल जो टैक्स ऑफिसर उनसे मिलने के लिए, तो वो यहीं पे उसको भटकना नहीं पड़ेगा, बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, तत्काल उसका काम जो है तीव्र गति से हो जाएगा। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा है कि पब्लिक को उसके किसी भी ज़रूरतों के लिए ईज ऑफ लिविंग के तहत बिल्कुल भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, इसी को ध्यान में रखते हुए ईज ऑफ लिविंग के तहत ही हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है कि 5 जो हमारे जोन बन गए हैं उन जोन का जो मुख्यालय है उस जोन के सेंट्रल पॉइंट पर रखते हुए रखा जाए। उसी के हिसाब से हम लोग पूरा जो ऑफिस खोलने का उद्देश्य सारी बिल्डिंगों का भ्रमण कर रहे हैं जो कि नगर निगम की बिल्डिंग है, संपत्ति है, और उसी में बहुत शीघ्र कोशिश हमारी ये है इस बार इस महीने के अंत तक हम माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा अपने इन 5 जोनल जो मुख्यालय हैं, जोनल कार्यालय हैं, उनका विधिवत शुभारंभ कराएंगे।